मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी उसको ढूंढने के लिए। अच्छा? हाँ। देखो, कुछ सोचो कि अगर तुम सब उसको ढूंढ पाते तो अभी तक ढूंढ चुके होते। मैं एक ह्यूमन होके तुम्हारी स्पेसशिप में आ गया, इतनी हिम्मत है मेरे में? उस हीरो को तो ढूंढ ही सकता हूं ना। आगे देखो, उस हीरो के पास ना गायब होने की सुपर पावर है, तो उसको पकड़ने के लिए मुझे एलियंस की सुपर पावर और एलियंस की गैजेट्स की जरूरत है। मेरी आंखों में देखो। फिर से हीरो? अरे अब क्या कांड कर दिया इसने। अद्भुत शद रुपयों का जीता जागता अवतार है ये। लोभ, काम, क्रोध, छल, अहंकार और ईर्ष्या, छह के छह दोष है इसमें। अर्थात है तो ये इंसान, लेकिन इसकी प्रवृत्ति एक असुर ही है। वास्तविक रूप में लौट रहा हूं। अमल नंदा के प्रतिरूप का समय खत्म हो रहा है।
मुझे तुरंत यहां से लौटकर फिर से अमरलंदा बनना होगा। पंद्रह सालों से जिन्हें ढूंढ रहा हूं ऐसे इतनी आसानी से दो दिन में थोड़े ना मिलेंगे। जितना मैं अपने पापा को जानता हूं ना बंटू, उनके पास कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर होगा यूं इस तरह सबसे दूर रहने का। मुझे अब जाना होगा, पर तुम मेरे पास आओगे फिर नंदा, मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं जान जाऊंगा कि भटकल की वो गुप्त पेटी तुम खोल सकते हो। क्या चाहती है अलोमा इस मानव से? अलोमा को तुमसे मिलके खुशी हुई, और ये पहली बार मैं किसी मनुष्य से ये कह रही हूं। तुमने कहा था कि तुम हमें अदृश्य मानव तक ले चलोगे, और उसके बदले में ये असुरी यंत्र मैं तुम्हें प्रदान करती हूं। अब ये तुम्हारे वश में है, इसे कब कहां कैसे इस्तेमाल करना है तुम तय करो। ये क्या कर रही है अलोमा? सरासर गलत है ये। लॉन्ग लिव अलोमा, तुम्हारे लिए। पर याद रहे, तुमने अलोमा से वादा किया है, अगर ये वादा पूरा ना कर पाए तो तुम्हारे ये अस्त्र, हाथ और सर तीनों छीन लूंगी मैं। अब से एक एक पल मेरी नजर तुम पे होगी। अगर कोई भी गलती हुई या तुम्हारे वजह से मेरी योजना विफल रही तो अंजाम वही होगा। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे पे भरोसा करने के लिए और इस गैजेट के लिए थैंक यू। अब से तुम्हारा प्लान रॉकी का प्लान। मम्मी कसम, लॉन्ग लिव अलोमा, तुम्हारे लिए। अबे क्या मुंह फूला रखा है छिछिंदर, गैजेट मेरा हो गया, तेरा भाई तो गया इस गैजेट के बिना। रोल है लॉन्ग लिव अलोमा। अचल, ये असुरी यंत्र उस मानव को कैसे मिला? वो जब हमारी मुठभेड़ हुई थी हीरो के साथ, शायद उसी वक्त विचल का यंत्र कहीं गलती से गिर गया होगा। मैं तुरंत जाके उसे सूचित करता हूँ। इससे पहले कि अलोमा मुझे सूली पे चढ़ा दे या विचल को कुछ हो जाए, मुझे उसे ढूंढना होगा। दंश जी या मरे, अब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असुर श्रेष्ठ के लिए मायावी अंगूठी अब मैं ढूंढ के लाऊंगी। पापा, क्या हो रहा है ये?
मैं सपना तो नहीं देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पापा बिल्कुल मेरे बगल में लेटे थे। मीडिया वालों, ब्रेकिंग न्यूज बना दो, तुम्हारे हीरो की बैंड बजाने आ रहा है। रॉकी, द सुपर विलन। जो रॉकी के घर से निकल रहा है। ए! अभी शकाल, कौन है तू? मेरे घर में क्या कर रहा था? सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो कौन सी मूवी चल रही है सामने? मेरा नाम खिलाड़ी? इधर देख। अच्छा, एटीट्यूड दिखा रहा है। पता है कौन हूं? यहां पे खड़ा है ना, मुंबई, वहां का राजा रॉकी। चल पलट पलट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पलट रहा है आप? ये बाबा किसे लड़ रहा है? बाबा, रॉकी क्या हुआ? किसी ने रास्ता काटा है मेरा आज तक। शकाल, कौन से हेडफोन्स लगा रखे हैं जो सुनाई नहीं दे रहा? बेटा मस्का पाव लगाऊंगा और चाटा मारूंगा। चाटा क्या? ढाबे में उड़ाऊंगा तुझे। इधर देख। प्रतिरूपण का असर अब खत्म हो रहा है। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से रूप में आ जाऊं, मुझे अपने यान में लौटना होगा। पापा, तूने बुलाया इसको? मैं कहाँ चला गया? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये अच्छा है चला गया, ये तो अभी दिवाली बना देता इसकी। पापा, वो आदमी कहाँ गया? डर के भाग गया। अबे वो मैराथन, तू तो घर की वफादारी करेगा। पापा का वफादार कुत्ता जो है, रखवाली तो करेगा ही घर की। दौड़ बेटा दौड़। पापा, चले गए पापा?
चाचा मिल गया आदमी। नहीं वो क्या स्लोमो की पिक्चर चल रही है क्या? चल अंदर। तू जा बाबा मैं आता हूँ। सुन बेटा मैं ना पुराना वाला रॉक ही नहीं हूं। तो हल्के में ले रहा हूं। पुराना वाला मतलब अपनी सर्विसिंग करा के आया क्या? ₹2 के स्टंटमैन अपनी औकात में रहे और भेजा फ्राई हो गया ना हवा में उड़ाऊंगा। इसे क्या हो गया है? फालतू में अकड़ रहा है। लगता है मैं आज कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया हूं। मुझे हर जगह पापा ही दिख रहे हैं। मतलब मैं सही था। वो पापा ही थे। मेरी गट फीलिंग सही थी। पापा आए थे यहां पे। मैं जानता हूं तू मुझे आज भी ढूंढ रहा है बेटा। किसी वजह से मैं दुनिया के सामने नहीं आ सकता पर मुझे यकीन है कि एक तू ही है जो मुझ तक पहुंच सकता है मुझे ढूंढ सकता है। मुझ पर अभी तक खतरा बना हुआ है वीर पर इस वक्त अगर कोई मुझे इससे निकाल सकता है तो वो है मेरा अपना खून। क्योंकि तेरी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है। इस सफर में कुछ भी हो सकता है वीर। कई चुनौतियां आएंगी पर तू तैयार रहना बेटा। और वीर एक ऐसी जगह ढूंढ ले बेटा जहां से तुझे पूरी मुंबई दिखे। रात को ये शहर जब रोशनी से भर जाता है तब उस ऊंचाई से तुझे एक कोने में अंधेरा दिखेगा और वहीं मिलेगा तुझे मुझ तक पहुंचने का सुराग। सोचा था कि कंधे कीचड़ में छिपे हुए कीड़े की तरह ढूंढ कर तुझे बाहर निकाल लूंगा दृश्य मानव लेकिन अब मैंने अपनी योजना बदल दी है। अब मैं पटकल की गुप्त बेटी की इस पहेली से तुझे ढूंढ निकालूंगा।
इसके फायदे तो हैं। पहला कि इंसानों में मेरा प्रकट होने का खतरा कम हो जाएगा, और दूसरा तू ये कभी समझ नहीं पाएगा कि मैं तुझ तक इस रास्ते से भी पहुंच सकता हूं। अंगूठी धारक और मेरे बीच सिर्फ ये पहेली है, इसे तू सुलझाएगा वीर नंदा। अब तू मुझे पहुंचाएगा उस हीरो तक, और उससे पहले तुझे मुझ तक पहुंचना होगा। अब तो कोई डाउट नहीं है कि पापा जिंदा है। पापा जिंदा है। मैं आऊंगा पापा, मैं सुराग ढूंढने जरूर आऊंगा, और बहुत जल्द आपको भी ढूंढ निकालूंगा। नहीं, इन्हें अभी नहीं बताता हूं, सीधा पापा को घर लेके आऊंगा। क्यों इन्हें बेकार में टेंशन देना, इससे बेटर है सीधा बिग सरप्राइज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.